कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? अगर आप घोटाला कुछ है ही नहीं तो निकालें क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। दिल्ली शराब नीति घोटाले के बाद लगातार सीबीआई और ईडी का निशाना आम आदमी पार्टी के ऊपर है। मनीष सिसोदिया के बाद अब बुलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आया है, जिसके बाद दिल्ली सीएम ने कई बड़ी बातें बोली हैं और पीएम मोदी से सवाल भी पूछे। तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। दिल्ली सीएम ने कहा है कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, सरकार ने झूठ बोलकर केस बनाया है और बोला है कि शराब घोटाला हुआ है। दिल्ली सीएम ने यह भी कहा है कि केजरीवाल अगर चोर है, केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। अब एक नजर डालते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उन 10 बड़ी बातों पर। केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ईडी कह रही है कि उसमें से 4 फोन उसके पास है और सीबीआई कह रही है कि 1 फोन उनके पास है। अगर उन्होंने फोन तोड़े हैं तो उनके पास फोन कैसे आए? इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाया और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। उसके बाद दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अधिकांश फोन जिंदा है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, किसी वॉलंटियर के पास होगा, लेकिन ये सच है कि फोन जिंदा है। ये बात सीबीआई और ईडी को भी पता है। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर झूठा सबूत पेश किया है, जिनसे उन्हें झूठ बोलकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की है। उसके बाद वो कहते हैं कि चंदन रेड्डी को इतना मारा कि उसके दाहिने कान के पर्दे फट गए। चंदन रेड्डी से ईडी क्या कहलवाना चाह रही थी कि ईडी ने उसे इतना पीटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि समीर महेंदू, अरविंद पिल्लई, मनस्विनी भूषण बेलगावी और टॉर्चर करने बयान लिया गया है, जिन्होंने बाद में कोर्ट में अपना बयान वापस लिया। केजरीवाल ने कहा है कि आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है और ली गई है। मनीष सिसोदिया का पूरा घर छान मारा गया, लेकिन एक नया पैसा नहीं निकला। रिश्वत ली तो पैसे गए कहाँ? उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद आरोप लगाया गया है कि रिश्वत का पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया है। इन्होंने गोवा में हमारे सारे वेंडर्स को पकड़कर उनसे पूछताछ की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं कह रहा हूं कि 17 सितंबर की शाम 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या इस आधार पर पीएम को गिरफ्तार किया जाएगा? आखिर कोई सबूत तो देना ही होगा या फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि मैं पीएम मोदी से कहता हूं कि अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नेता नहीं है। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि पीएम को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। इसी इंटरव्यू में कहा गया है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के पैसे लेने और उससे ऊपर पहुंचाया जाता है, उसके बाद दोस्तों की कंपनी में लगाया जाता है। भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरीके से टारगेट नहीं किया गया है जितनी बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी को किया जा रहा है। पहले नंबर 2 को गिरफ्तार किया गया, फिर नंबर 3 को, उसके बाद मकसद अंत में गिरफ्तार करना केजरीवाल को था, ये केजरीवाल का कहना है। आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने देश में ऐसी उम्मीद दी है जैसी किसी दूसरे पार्टी ने नहीं दी। तो ये कुल मिलाकर के अपने पीसी में ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा है, सवाल किए हैं ईडी से भी और सीबीआई से भी, और लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई शराब घोटाला हुआ है तो सबूत कहाँ है, बिना सबूत के कैसे, किस आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। इन सब बातों में केजरीवाल एक और बात बोल गए। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, तो इस पूरे प्लैनेट में कोई भी नेता नहीं है जो ईमानदार है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं नीचे कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस पूरे मामले को लेकर के आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करिए। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।